हमारे प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ, रेस और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत उसे पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने देव पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजा खोलने पर सामने पड़ोस की माता जी खड़ी थी। माता के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उस मांझी को घर के अंदर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसे बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उस व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को यह समझते देर ना लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद का भोग हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी।
फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुआरी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना काम करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो आइए भक्तों, सुनते हैं वैभव व्रत लक्ष्मी की विधि। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसको व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है।